ऋषिकेश की प्लानिंग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, पर 6 अप्रैल 2022 को हम लोग का फाइनल ऋषिकेश का प्लान बन जाता है और सब लोग लग जाते हैं अपनी अपनी तैयारी में। हमें नहीं पता था कि ऋषिकेश में हम कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, बस इतना पता था कि हमें ऋषिकेश जाना है। तो बस निकल जाते हैं हम लोग मेट्रो में और पहुंच जाते हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। 1 घंटे मेट्रो में ट्रैवल करने के बाद हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हम लोग की ट्रेन 2:45 पर आने वाली है, दैन हम लोग की जर्नी स्टार्ट होगी। तो गाइस हम लोग हरिद्वार उतर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश और अभी हम लोग वहाँ ऋषिकेश जाके होटल देखेंगे। अराउंड 3 से 4 घंटे होटल में रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं राम झूला देखने। हम लोग लक्ष्मण झूला भी जाने वाले थे बट लक्ष्मण झूला बंद कर रखा था क्योंकि वो 75 साल पुराना हो चुका था। गंगा घाट पर अराउंड 2 से 3 घंटे रुकने के बाद हम लोग वापस अपने होटल में चले जाते हैं। तो गाइस हम लोग लक्ष्मण झूला से हम वापस अपने होटल में जा रहे हैं और अभी हम लोग खाना खाएंगे। Day 2 तो अभी हम सब लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग पहले राफ्टिंग करेंगे देन नीलकंठ जाने वाले। रिवर राफ्टिंग करने से पहले कुछ खा लेते क्योंकि हम लोगों ने रास्ते कुछ खाई नहीं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही। सभी लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया था और हम लोग रेडी थे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो गाइस हम लोग राफ्टिंग के लिए नीचे की साइड जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग अपनी बोट में बैठेंगे और हम लोग की जो राफ्टिंग है वो है 17 किलोमीटर और देखते हैं कि हम लोगों का क्या हालत होने वाली है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सारे लोग, किसी को तैरना नहीं आता। ऑन योर रिस्क। तो गाइस हम लोग 1.5 घंटे की राफ्टिंग करने के बाद हमने एक पॉइंट पर रुके जहाँ पर हम लोग चाय पीने वाले हैं, तब अपनी राफ्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से जो नज़ारा है गाइस काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, आप लोग देख सकते हो और आपको और सिनेमेटिक शॉट में वाटरफॉल है, हम वहाँ भी जाके देखते हैं। वाटरफॉल पर भी वीडियो वगैरह बनाए थे 2-3 और उसका भी रिजल्ट देखना कैसा आता है। तो गाइज़ हम लोगों ने राफ्टिंग कर ली और राफ्टिंग करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप ऋषिकेश आते हो तो राफ्टिंग ज़रूर करनी है आपको, ये मिस मत करना। तो गाइज़ हम लोग अपने बैग वगैरह लेके फिर एक नया होटल देखेंगे देन हम लोग जाएंगे नीलकंठ। Day 3 हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ और हम लोग डिसाइड करके हम पैदल जाएंगे
क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो हमें देखना है और मौसम को थोड़ा इन्जॉय करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पैदल। आते टाइम हम देख लेंगे जैसा भी होगा। और अभी जो यहाँ का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आ रहा है और रास्ते में अभी हमें और ऊपर चढ़ना है, देन वहाँ का व्यू देखेंगे, वो भी और अच्छा आएगा। गाइस हमें 1.5 घंटा होगा चलते चलते और अभी आधा रूट बाकी है और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अभी हम लोग एक स्टॉप पर रुके हैं, यहाँ पर बैठ कर हम पानी वगैरह पी रहे अपना, देन हम लोग 15 से 20 मिनट रेस्ट करेंगे, देन दोबारा निकल जाएंगे। पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया, अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ, अरे कोई तो जाओ। तो गाइस हम लोगों ने अराउंड 3 घंटे तक ट्रैवल करा और हम लोग ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और मंदिर भी आ ही चुका है। आप लोग देख सकते हो पीछे का व्यू काफ़ी बहुत ज़्यादा। और बताओ भाई कैसा लग रहा है? भाई थकान तो है बट उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मज़ा भी बहुत आया है। हर 100 मीटर पर आपको स्टॉल मिल जाएगी छोटी छोटी, जिससे आप कुछ खा पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो। चाय सबसे टेस्टी आ गई, चाय बहुत अच्छी। अभी हम लोगों ने एक अंकल की चाय पी भाई, चाय भाई बहुत तगड़ी थी, 10 रुपए की चाय थी लेकिन उसके लिए 20 रुपए पे करने के लिए हम तैयार। माने तो उसको डांट भी लगाओ, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अब हमारा ऋषिकेश में 4th डे था और वक्त था ऋषिकेश को बाय बाय करने का, तो हम लोग निकल जाते हैं फिर हरिद्वार के लिए।